पांच फरवरी के दिन जिन्हें एमपी बोर्ड में जिन बच्चों का पेपर है ना बिल्कुल 101% है ना 75 नंबर में से इसी पेपर से आपका 50 से 60 नंबर का फंसेगा, क्योंकि मेरी गारंटी है। यहां पर देख लीजिए अब की बार 90 पार, ये देख लीजिएगा आप, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर आपको बताऊंगा, सेट ए बी सी डी ई एफ तक, ठीक है, अच्छे से सोल्व करना, ये कोई रियल नहीं है, आप सब जानते हैं बिल्कुल, पर अच्छे से मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनकी श्रृंखला अपन चला रहे हैं। जिन बच्चों को वास्तव में पढ़ना है और वास्तव में परसेंटेज बनानी, बिल्कुल कंप्लीट करो, गारंटेड है, ठीक है। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे, खेती बाड़ी का काम करते। शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं, तो तीन प्रकार होते हैं, भोलानाथ इसे देखकर सिसकना भूल गए अपने साथी बच्चों को खेलता देखकर। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञ, सूर सारावली के कवि का क्या नाम है, सूरदास जी है। देखते हैं चौपाई में कितनी मात्राएं होती है, यहां से देखिए चौपाई में 16 मात्राएं होती, कितनी 16 मात्राएं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, तो 8 प्रकार। सांप को देखते ही बच्चे गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भाग चले। तुलसीदास राम भक्ति सागा के श्रेष्ठ कवि हैं। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। बाल गोविंद भगत का जो बेटा था वो सुस्त और गोदा था, ठीक है। नाटक सम्राट, नाटक सम्राट किसे कहा जाता, शेषंगा प्रसाद। राम वृक्ष बेनीपुरी पिता के फूल, परिणाम वाचक आ जाएगा क्रिया का के परिणाम का बोध। हीरो शिवा रेलगाड़ी पर लिखा हुआ, ठीक है। वाराणसी उत्तर प्रदेश जयशंकर प्रसाद का जन्मस्थल, और आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। जैसे आप कहते ना अपन, ठीक है, बड़ी अचानक नदी पार के होड़ा कैसे पार, घराना ने सोचा इस पार पक्षे उस पार, इसको मतलब क्या, यहाँ पर बातों को क्या बड़ी चढ़ाकर कहा है। एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द। लोकोक्ति या कहावत किसे कहा जाता है, ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ होता है। ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था, जितेन नारगे। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भीड़। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं, तो वो है छायावाद के लेखक। सत्य और असत्य, राम पढ़ता है प्रश्नवाचक है असत्य है। सारे देश की आस्थाएं और अंधविश्वास एक से नहीं है। हीरो शिवा बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे, वो ग्रस्ती थे, ठीक है। अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, भगत अपने बेटे की मृत्यु के बाद अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 का थोड़ा है। ये यहाँ पर गांव का सामाजिक संस्कृति का परिवेश हसार चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये इसका थोड़ा वाला देख लीजिएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी, हो गया। ये भाषा शैली यहाँ से साहित्य में स्थान, इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं आप, मुझे इतना। ये 9वां समास विग्रह, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ क्योंकि समय कम है आपके पास, है ना, फिर याद कब करोगे। ये आपका बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ये यहाँ से अथवा है। ये 11वां क्वेश्चन है आपका, ये इसका थुआ है। मंगरेश डबराल का आपका साहित्य परिचय आने वाला है, ठीक है, इस बार करके जाइएगा थोड़ा सा। ये मंगरेश डबराल हो गया है, देखिए बच्चों, है ना, मेरा उद्देश्य क्या है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, बस आप अच्छे अंक प्राप्त कर लो, यही उद्देश्य है। 6 तरह के पेपर दिए हैं मैंने, यदि 99% बनानी है जिस बच्चे को, तो 6 पेपर दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए भाई साहब, ये रिजल्ट है ना बच्चों का, ये छाती ठोक के कह सकता हूँ कि कोई ये रियल पेपर देख देख के नहीं बनाया है। खास खास चीज़ें बताइए, पर हाँ पढ़ो, ऐसी चीज़ पढ़ो कि जो परीक्षा में आए। अब वो चीज़ें क्यों पढ़ रहे हो, ये आएगी 100%, मैं बता तो रहा हूँ आपसे, कह रहा हूँ, बस खत्म हो गई सीधी सी बात। भाषा हो गई है, ये अलंकार हो गया, छंद हो गया है, ये साहित्य में स्थान।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है अगला, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं देख सकते हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुर मुत्ता, भाव पक्ष देखिए इनका, ठीक है भैया, कला पक्ष और साहित्य में स्थान भी करके जाइएगा। लक्ष्मण के द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई दो विशेषताएं बताइए, तो वीर कभी भी वीरता का बखान नहीं करते, ठीक है, योद्धा कभी भी विनम्र और धैर्यवान होते हैं, वो कभी भी अभिमान नहीं करते हैं, ठीक है भैया। कवि के अनुसार फसल क्या है, इसके बाद में होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते उन्हें लिखिए। इसके बाद में यहां से देखिए कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर, वीर रस का स्थायी भाव बताइएगा, सॉरी वीर रस का परिभाषा उदाहरण सहित। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा दोहा छंद की प्रत्येक मात्राएं लिखनी, यहां से देख सकते हैं आप। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कहानी और उपन्यास में अंतर, यहां से क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाओ यार अब तो, है ना भैया, समय कम है, अब इसमें क्या समझाएं, क्या आपको पढ़ाएं, पहले मैंने बहुत पढ़ाया, बहुत समझाया, विषय आपको समझ में नहीं आई, बहुत सारे बच्चों को रियल पेपर चाहिए ना, तो लो रियल पेपर और जाके परीक्षा मिलान कर लेना, ठीक है, किसी के पास भी रियल नहीं है मेरे भाई, बार बार कह रहा हूँ मैं, अभी भी मौका है, सुधर जाओ, पछताओगे नहीं तो हाथ पे हाथ धर के वहाँ पर रोना पड़ेगा, जो छाती ठोक के कह रहे ना हाँ रियल पेपर तो हमारे पास आएगा ही सही, आएगा सही, हम फेसबुक पे दे देंगे, तो हम टेलीग्राम पे दे देंगे, ना वहाँ दे देंगे, ना वहाँ दे देंगे, किसी के पास कुछ नहीं आना, तुम्हारा बाप लगता वहाँ पे बैठा है, दे देगा पेपर तुम्हें, ये देखो, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ो आप, तो जिनको पढ़ना है पढ़िए, जिनको भरोसा नहीं है मत पढ़िए, सीधी सी बात है, मेरा उद्देश्य ये 100 बच्चे चाहिए मेरे को ऐसे चाहिए जो बिल्कुल टॉप करे बस, और वो छाती ठोक के कहे कि नहीं हम यहाँ पर इस चैनल से पढ़े थे और टॉपर का बने हम, है ना, बस ऐसे बच्चे चाहिए यार भाई, योग्य इतना। जहाँ से लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना, लखन जो है ना वो हंसकर कह रहे हैं कि हमें तो सब धनुष प्रिय है, आप प्रिय है, दोनों सब धनुष हमारे लिए एक समान है ना, का छाति छड़ो लाभ जनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, है ना, इससे इससे आपकी ऐसी कौन सी प्रीति है कि गुरुवर आप हम पे बड़ा क्रोध हो रहे हो, तो ये देखिएगा यहाँ से संदर्भ प्रसंग है ये, लक्ष्मण जी परशुराम को मुस्कुराते हुए कहते कि हे देव हमारे लिए तो छोटे बड़े सभी धनुष समान है, ये पुराना धनुष है, इसको राम जी ने इसे नया समझ कर देखा था तो यहाँ छूते ही टूट गया, अब इसमें राम का कोई दोष नहीं है, आप बिना किसी कारण के क्रोधित हो रहे हो। और लक्ष्मण की यहाँ बात सुनकर परशुराम जी बोलते हैं, दुष्ट तुमने मेरे क्रोधी स्वभाव के बारे में नहीं सुना है क्या, तुमको बालक जानकर मैं नहीं मार रहा हूँ, हे जड़ बुद्धि तुम मुझे नी मुनि तुम मुनि मात्र ही मत समझो, ठीक है, और समस्त जान संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का क्या हूँ, विरोधी हूँ, तो ये यहाँ से आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है, ये संदर्भ प्रसंग होगी व्याख्या, आधा हिस्सा होगी और आधा हिस्सा ये यहाँ पर है, चलिए ये संदर्भ प्रसंग है, ठीक है, हो गया, और ये आपकी व्याख्या रहेगी, ये भावार्थ मतलब। क्वेश्चन नंबर 21 है ये लाउड स्पीकर वाला, हो गया, ठीक है, इसके बाद में ये अब उसका अथवा रहेगा यहाँ पर, ये आपका 23वां, तो ये तो आपको याद होगा, है ना, निबंध तो अच्छे कर लेते, विद्यार्थी और अनुशासन का निबंध करना आपको, इसके बाद में ये विज्ञान का चमत्कार वाला करना है, केवल 2-3 निबंध करके जाना है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ये वन संरक्षण वाला कर लीजिए।